नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा। आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। एमपी में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन आतंकियों की मीटिंग की जगह से लेकर उस ग्रुप तक की जानकारी मिली है जिसके जरिए दहशत प्लान को अंजाम देने की साजिश रचते थे। देखिए, लोग वहां मस्जिद में मीटिंग करते थे, लोकल की मस्जिद में, और कट्टर प्रवृत्ति का वो फैलाते थे। कई एंगल इसमें और सामने आए हैं। इन्होंने अपना बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप के माध्यम से संचालित होता। एमपी में आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा ये बड़ा खुलासा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि कैसे ये मॉड्यूल प्रदेश में काम कर रहा था। इन आतंकियों ने मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया था जहां ये मीटिंग किया करते थे, दहशत प्लान को अंजाम देने के लिए साजिश रचते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने एक सीक्रेट ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम था बिस्मिल्लाह। मॉड्यूल से जुड़े आतंकी इस ग्रुप में जुड़े हुए थे। लोग वहां मस्जिद में मीटिंग करते थे, लोकल की मस्जिद में, और कट्टर प्रवृत्ति का वो फैलाते थे। कई एंगल इसमें और सामने आए हैं। इन्होंने अपना बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप के माध्यम से संचालित होता। एनआईए और एटीएस ने एमपी में आईएसआईएस मॉड्यूल पर शिकंजा कसा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एनआईए और एटीएस ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं। उन्होंने कहा है ऐसे आतंकियों के लिए एमपी पुलिस पेस्टिसाइड है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आईएसआईएस, एचयूटी, जेएमबी जैसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार कसती है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। पुलिस में एटीएस और हमारी जो एनआईए दिल्ली की टीम है, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन पुलिस के लिए जो आतंकी सोच के कीड़े हैं, इसके लिए हमारी पुलिस प्रेस्टिसाइज का काम करेगी। मध्य प्रदेश किसी को कहीं सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। तीन लोग पकड़े गए हैं, सैयद मसूद अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद साहिब। ये आईएसआईएस के लिए ये काम करते थे और कई चीजें उसके बाद में सामने आई हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, चूंकि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास में है। ज्वाइंट ऑपरेशन था पर देख वही रही है, एफआईआर भी उन्होंने दर्ज की है। एमपी में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए और एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। जबलपुर से तीन संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। छापेमारी में भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को भोपाल की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया जहां से इन्हें रिमांड पर सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खड़े हैं जहां से। तो एमपी में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन आतंकियों की मीटिंग की जगह से लेकर उस ग्रुप तक की जानकारी मिली है जिसके जरिए दहशत प्लान को अंजाम देने की साजिश ये रचते थे। कई सारे सबूत मिले हैं। बता दें आपको, अधिवक्ता के यहां से कारतूस भी बरामद किए गए थे। साथ ही साथ कई सारी ऐसी चीजें संदिग्ध बरामद की गई जिनकी जांच अभी लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया। उनका साफ तौर से कहना था कि आतंकी सोच के लिए एमपी पुलिस पेस्टिसाइड है, आतंकियों को सिर नहीं उठाने देंगे। तो आईएसआईएस का दहशत प्लान जो था, उससे कहीं ना कहीं उसके खात्मे की तैयारी में पुलिस लगी हुई है और बहुत बड़ा प्लान जो है उनका खराब किया गया है। बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप भी बनाया गया था और कई सारी वारदात देने की फिराक में ये सभी थे और आतंकियों को सिर जो है उठाने नहीं देंगे। ये बयान जो है गृह मंत्री ने दिया है, उन्होंने कहा है कि पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है, एनआईए लगी हुई है, टीएस लगी हुई है, जांच पड़ताल सभी मामले में हो रही है और कार्रवाई होगी, जल्द होगी।
अभी जांच पड़ताल जारी है। कई सारे संदिग्ध रिमांड पर थे और रिमांड के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। कई सारी पूछताछ में खुलासे भी हुए हैं और बता दें आपको, लंबे वक्त से कहीं ना कहीं आतंक का गढ़ बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। एक के बाद एक खुलासे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। पहले जेएमबी का खुलासा हुआ, अब ये नया खुलासा, मॉड्यूल का खुलासा, तो कहीं ना कहीं हम माने कि आसानी से यहां पर पनाह लेते हैं ये आतंकी और अपना काम शुरू कर देते हैं। पर इस पर अब जो है पूरी तरह से प्रशासन सक्रिय है, एनआईए सक्रिय है, जांच एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय है। किस तरह से आखिर इस पूरे मामले को हैंडल करना है और किस तरह पूछताछ करनी है, किस तरह कार्रवाइयां करनी है, इसमें जुटा हुआ है। तो रेड लगातार मारी जा रही है, आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। प्रशासन जुटा हुआ है और इसी पर जो है बयान भी गृह मंत्री का आया। उन्होंने कहा कि इन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा। आतंकी सोच के लिए एमपी पुलिस जो है पेस्टिसाइड है, आतंकियों को सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। तो मस्जिद में भी मीटिंग हुआ करती थी, बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप भी इनके द्वारा बनाया गया था। एनआईए और एटीएस का जॉइंट ऑपरेशन ये था जिसका खुलासा किया है। आतंकी सोच के लिए एमपी पुलिस पेस्टिसाइड है, ये गृहमंत्री ने सारे बयान दिए हैं और उनका साफ तौर से कहना था कि सर उठाने नहीं दिया जाएगा। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। मस्जिद में मीटिंग की जाती थी, बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप भी बनाया गया था। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ऐसा लगता है कभी कभी बहुत आसान हो जाता है इन आतंकियों के लिए पनाह लेना मध्य प्रदेश के भोपाल में खासकर, कि एक के बाद एक हम खुलासे देख रहे हैं जो हो रहे हैं, पर यह भी हम मानेंगे कि प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ती दिखा रहा है। जो जांच हो रही है, एनआईए जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, उसमें उनको भी सफलता मिल रही है। बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले 3 साल से ये जो एक्टिविटी है एनआईए ने बढ़ा दी है, एटीएस और एनआईए ने मिलकर काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं। अगर बात करें तो प्रदेश जिसे शांति का टापू कहा जाता है, उसे कहीं ना कहीं इन कट्टरवादी जो संगठन है इनकी नज़र लग चुकी है। अगर बात करें तो सिमी का नेटवर्क यहाँ पर पकड़ा गया और उसके अलावा आईएसआईएस के जो है संगठन उसके लोग मिले, और उसके अलावा हजरत जो है इन सारे तमाम के साथ एचयूटी के जो मेंबर्स हैं ये सारे लोग इसमें पकड़े गए, इन्वॉल्व हुए। अगर बात करें तो अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, आईएसआईएस के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। जबलपुर से जो लोग पकड़े गए हैं उन सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। गृहमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया कि इस तरह के जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं उन्हें जो है शरण नहीं लेने दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मदरसे और मस्जिद से इन्हें ऑपरेट करने के लिए वहाँ से ट्रेनिंग दी जाती थी, पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं, जो एक एडवोकेट है जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं, उनका ताल्लुक इस पूरे संगठन से मिलकर सब सामने आया है। तो एनआईए और वो बड़े खुलासे कर सकती है, ये उन्होंने जिक्र किया है, और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में अब इस तरह की धरपकड़ हो सकती है। वाकई जितेंद्र माने यहाँ पर बहुत ही शातिराना तरह से ये लोग एक गिरोह बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, जिस तरह से बिस्मिल्लाह के नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, वही मस्जिद में भी प्लानिंग करते थे, कुछ फोटोज भी लड़कियों के, हिंदू लड़कियों के बरामद हुए हैं, तो ये बड़ी ही शातिराना तरह से काम किया करते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो पीएफआई का भी ऐसा ही एक जो है गुपचुप तरीके से यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा था। ये बहुत ही स्लीपर सेल इनके जो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। बिस्मिल्लाह के नाम से जो ग्रुप इन्होंने सोशल मीडिया पर चलाया था उसकी जो जानकारी सिर्फ साइबर एक्सपर्ट के हाथ लगी, उसी से खुलासा हो पाया कि धर्मांतरण को लेकर किस तरह से कट्टरवादी सोच लेकर आगे बढ़ाई जा रही थी। इसके अलावा देश विरोधी गतिविधि जिसमें आईएसआईएस के जो लोग हैं उनसे इनके ताल्लुक हैं, विदेश की फंडिंग, इसके अलावा कई और ज़्यादा नेटवर्क दुबई और पाकिस्तान से इनके कनेक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब एनआईए चूंकि जांच कर रही है तो एनआईए पूरे मामले में इन जो पकड़े गए संदिग्ध हैं इनसे बड़े खुलासे कर सकती है। फिलहाल जो 3 लोग हैं जो जबलपुर से पकड़े गए हैं,
इनसे कहीं ना कहीं जो है मसूद अली और साथ ही उनके जो अन्य दो साथी हैं इनसे खुलासे में और बड़ी चीज़ें हैं सामने निकल कर आएंगी कि प्रदेश में इन्होंने कितना बड़ा नेटवर्क फैला रखा था, धर्मांतरण को लेकर कहां तक आगे बढ़ चुके थे, विदेश की फंडिंग में और साथ ही आतंकी जो संगठन है उनसे इनका क्या ताल्लुक रहा है, ये सारे खुलासे अभी होना बाकी है। बाकी खुलासे होना तो बाकी हैं, पर अभी जिस तरह रेड मारी गई है और इतनी सारी चीजें निकल करके सामने आई, आखिर क्या क्या बरामद हुआ? मैं ये भी जितेंद्र आपसे जानना चाहूंगी, कारतूस बरामद हुआ था, कई सारी चिट्ठियां पेपर बरामद हुए थे, उनकी प्लानिंग थी कुछ, मैं चाहूंगी इस बारे में भी आप विस्तार से बताएं। देखिए अगर बात करें तो एनआईए को बड़े पैमाने पर 50 से ज़्यादा ऐसे अवैध रूप से कारतूस बरामद हुए हैं इनके पास से। इसके अलावा इस्लामिक जो कट्टरवाद की ऐसी किताबें मिली हैं जो लोगों में भड़काऊ जो है माहौल बनाती है, इस तरह की किताबें उन्हें जब्त हुई हैं और कई सारे साहित्य जब्त हुए हैं। कंप्यूटर से उनका पूरा जो सिस्टम है, किस तरह से कहाँ इनका नेटवर्क फैला है, उन सारी चीज़ों की जानकारी मिली इनके। हालाँकि इनके पास जो ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ये इस काम के लिए स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इनका डाटा अभी दूसरे तरीके से खंगाला जा रहा है। ये बिल्कुल जो जीएसएम मोबाइल होते हैं उसकी यूज़ कर लोगों से बातचीत करते थे, हालांकि सोशल मीडिया का ज़्यादा ऑपरेट कर बाहर विदेश के जो नंबर हैं उनसे संपर्क करते थे। इन सारी चीज़ों का खुलासा किया है और भी ज़्यादा इनमें पूरे मामले में अपडेट सामने निकल के आ रही है कि एक व्यक्ति के नाम पर आधार कार्ड से लेकर ऐसे कई कार्ड से जो उन्होंने फर्जी बनाए थे, सिम कार्ड, मोबाइल कार्ड, इन सारी चीज़ों का ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लेकर किरायेनामे के नाम पर वहाँ पर रहते थे लोगों को, ताकि शक ना हो पाए। ठीक 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 पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आईएसआई आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है, एनआईए लगातार इस जांच में लगी हुई है, आखिर क्या क्या निकल करके सामने आया है अभी तक जांच में? जी बिल्कुल, अभी तक की अगर जांच की बात की जाए तो कार्रवाई होने के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया आरोपियों को, उसके बाद जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ए उस्मानी, अब्दुल्ला उस्मानी, उनके घर से 64 कारतूस बरामद हुए थे जिसमें 59 जिंदा कारतूस थे 22 mm के और 5 कारतूस जो है 5.5 mm के थे। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज़ में, देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल हो सकते हैं। हालांकि हथियार रखना, कारतूस रखना कोई गैरकानूनी अपराध नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो और लिटरेचर मिले हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वेशन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एनआईए की टीम उनके घर में घुस रही थी, उस्मानी के घर में, तब उन्हें घुसने से रोकने की कोशिश की गई, यानी कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी, और यही वजह है कि इसके बाद में जब उस्मानी के बेटे को, आदिल को गिरफ्तार किया गया तो उसे कोर्ट में भी पेश किया गया है। जितने भी आरोपी अभी तक सामने आए हैं, जितने भी उनके पास से कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिला है जो आपत्तिजनक है, जिसके खिलाफ में एनआईए जांच कर रही है। और जबलपुर में अब ओमती पुलिस भी, यानी जिला पुलिस भी इस मामले में जांच में कूद गई है। कारतूसों के खिलाफ में FIR दर्ज की गई है, उस्मानी के बेटे के खिलाफ में, दोनों बेटों के खिलाफ में, और इसके अलावा नईम खान जो सिमी के वकील रहे हैं उन्हें नोटिस देकर भोपाल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। कांकेर की अब बात करते हैं, जहां पर एक अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करा दिया गया, लेकिन उसी जलाशय के पास रहने वाले ग्रामीण झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। जलाशय का लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया, ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए, झिरिया का मटमैला पानी, इससे पीने की सलाह कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन इन ग्रामीणों की मजबूरी है, पानी के लिए ये झिरिया ही इनका सहारा है। इसी पानी से इनके प्यास बुझती है और ये पानी भी आसानी से नहीं मिलता। गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पानी से भरे बर्तन ढोने पड़ते हैं, बच्चों से लेकर महिलाएं तक सभी बूंद बूंद पानी जमा करने में जुटे रहते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, पंप लगाकर जलाशय खाली किया जा रहा है, ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पानी बर्बाद किया जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें कांकेर के बोगान बोडिया की हैं। ये वही गांव है जहां अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करा दिया गया था, जलाशय का 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया था। जिस जलाशय का पानी फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल ढूंढने के लिए बहाया गया था, उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा है। गांव में सूखे के हालात हैं, ग्रामीण झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की नजर ग्रामीणों की इस मजबूरी पर नहीं पड़ी।
अफसर का मोबाइल इन ग्रामीणों के प्यास से जरूरी था। जिस पानी से ग्रामीणों के प्यास बुझ सकती थी उसे मोबाइल ढूंढने के लिए बहा दिया गया। मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करने की इजाजत किसने दी? ये सवाल पूछे जाने पर फूड इंस्पेक्टर ने सिंचाई विभाग के SDO का नाम लिया था, लेकिन SDO ने ऐसी किसी भी अनुमति की बात से इनकार कर दिया। हालांकि जलाशय खाली करने के मामले में फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन इन ग्रामीणों का क्या? एक अफसर के मोबाइल के लिए जलाशय खाली कर दिया जाता है, लेकिन यहां ग्रामीण झरिया का पानी पीने को मजबूर है। किसी अधिकारी की नजर क्या बोगान बोडिया में पानी की समस्या पर नहीं जाती? खेम नारायण शर्मा, News 18 कांकेर। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इलाके भले ही अलग अलग हैं, जिले भले ही अलग अलग हैं, लेकिन समानता ये कि दोनों ही जगहों पर लाखों लीटर पानी को बर्बाद कर दिया गया महज एक सनक के चलते। पहली तस्वीर जशपुर के बादलखोल अभ्यारण की है तो दूसरी तस्वीर कांकेर जिले के पखांजूर की है। हालांकि पखांजूर वाले मामले में किरकिरी होने और विपक्ष के सवाल उठाने के बाद खाद्य निरीक्षण को कलेक्टर ने जांच कर सस्पेंड कर दिया, लेकिन जशपुर के मामले में अभी तक ये भी पता नहीं चल सका कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मनमर्जी दिखाते हुए स्टॉप डैम के गेट खोलकर सारा पानी बहा दिया, वो भी मछली मारने के लिए। देखना यह है कि इस मामले में शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। नौतपा चल रहा है और इस आग बरसाते नौतपे में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि प्यास चौगुनी हो चुकी है तो दूसरी तरफ कुएं बावड़िया जलाशय हैंडपंप सब जवाब दे चुके हैं, और ऐसे में अगर पता चले कि लाखों लीटर पानी अपने मजे के लिए बहा दिया गया तो क्या बीतेगी आप पर? जाहिर है भरी गर्मी में किसी का भी खून उबाले मारने लगेगा, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को इसके कतई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आई हैं जशपुर से, जहां मछली मारने के वास्ते लाखों लीटर पानी की बर्बादी कर दी गई। ये मामला बादलखोल वन अभ्यारण्य के गायलुंगा गांव का है, जहां स्टॉप डैम बनाया गया था ताकि पानी का संचय किया जा सके, लेकिन शरारती तत्वों ने इसके गेट खोल दिए ताकि वो मछली का शिकार कर सके। नतीजा ये हुआ कि सारा पानी बह गया और डैम पूरी तरह से सूख गया, जिसके बाद अब वन अभ्यारण्य के सारे जानवर पानी के लिए परेशान हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इस डैम में डैम को जाना जाता है लुम्बादह के नाम से, और जितना भी उन्हें प्राणी हैं, हाथी हुआ है, भालू हुआ है, जो भी जानवर हैं, गांव घर के गाय भैंस जो भी आता था या पानी का निस्तार करता था, आज की डेट में आके देख रहे हैं तो जल पूरा सूखा पड़ा हुआ है, डैम में एक भी पानी नहीं दिख रहा है। यही इसीलिए कोई मछली वाले ही फोड़ा होगा, गाँव वाले चाहे दूसरे गाँव के, तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ ना इस डैम में 3 दिन पहले लबालब पानी ढीला हुआ था, जिसे 300 किलोमीटर दूर तक पानी ढीला था, उसको आज आकर देखते हैं तो इस डैम में एकदम पानी सब सूख गया है। तो जंगली जानवर और जो यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं वो लोग, ये बादलखोल अभ्यारण्य के बीचों बीच जंगल में लुम्बालाता डैम है, जहाँ पे डैम बना हुआ है, यहाँ लाखों लीटर पानी हमेशा रहता था, जिसमें वन जीव को हाथी भालू और भी कई प्रकार के जीव जंतु हैं, फिर गांव के मवेशी लोग हैं, वो सब यहाँ पे पानी पीते थे और पानी का उपयोग होता था। और आज जब यहाँ ग्रामीण आके देख रहे हैं तो एक भी पानी नहीं है, और बताया जा रहा है कि मछली मारने वाले कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यहाँ पे डैम का दरवाजा को खोलकर और पूरा पानी बहा दिया गया और मछली मारा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण शर्मा हमारे साथ कांकेर से जुड़ गए हैं, तो वहीं जशपुर से दीपक सिंह जुड़े हैं। जशपुर से सबसे पहले जशपुर का रुख करते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें हमने देखी कि कैसे असामाजिक तत्वों द्वारा यहां पर पानी खाली करवा दिया गया मछलियों के लिए, क्या अभी तक पता चल पाया है आखिर वो कौन थे और आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बादलखोल वन अभ्यारण्य में अक्सर जो है जानवर का वहां जमावड़ा रहता है, और जो हाथी है
वो अक्सर इस जंगल में मौजूद रहते हैं, जिनकी वजह से जो वन विभाग है बादलखोल वन अभ्यारण्य का के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जंगलों में कई जगहों पर जो हाथियों के लिए जंगली जानवरों के लिए स्टाफ डैम बनाए गए हैं। गैदुंगा गांव के पास स्थित राखों का स्टाफ डैम जो है जो दो तीन दिन पहले तक पानी से रबाजब था, लेकिन आज जब सुबह वहां पर ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पर जो है पानी बिल्कुल सूख चुका है और लगभग 300 मीटर की दूरी तक लगभग 6 फीट का यहां पर पानी भरा हुआ था, लाखों लीटर पानी इस डैम में था, लेकिन जो मछली मारने वाले लोग हैं उन्होंने डैम का जो है गेट वो खोल दिया और जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया और अब जो आसपास के जंगली जानवर हैं वो परेशान हैं, जो आसपास के जो मवेशी हैं जो जंगलों में चरने जाया करते थे वो परेशान हैं। अब ग्रामीणों को ये भी भय है कि कहीं पानी की तलाश में जंगली जानवर जो है गाँवों तक ना पहुँचे और जो हाथी है, हाथी से काफी जो क्षेत्र की जनता है वो खासी प्रभावित रहती है और जंगलों में पानी और चारे की व्यवस्था होने के बाद हाथियों का जो रुख है वो गांवों की ओर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब जंगल में पानी खत्म होने के बाद ग्रामीण परेशान है। वहीं इस घटना में अब तक जो जो शरारती तत्व हैं उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो बादलखोल वन अभयारण्य के अधिकारी हैं उनको अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं आपके है पास कि हमारे साथ जंगल में खेम नारायण भी जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, अफसरशाही की तस्वीर हमने देखी कि किस तरह से मोबाइल गिरने पर पूरा जलाशय खाली करवा दिया गया बिना ये देखे कि आखिर वो पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता होगा और किस तरह ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जी रितु, देखिए बिल्कुल सही बात है कि अफसर ने जो है मोबाइल बचाने के लिए लाखों लीटर की पानी की बर्बादी कर दी। वहीं एक तस्वीर जो है कांकेर जिले से आई है जहां पर झरिया का पानी पीने को मजबूर जो ग्रामीण हैं और वो भी ऐसे झरिया का पानी पी रहे हैं जो जो कि गंदा है, मटमैला है, जिसके कारण से वो बीमार भी पड़ सकते हैं। और बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि उनकी सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी उन गांवों तक नहीं पहुंचता है जहां इस तरीके की परेशानी है, लेकिन एक मोबाइल पानी में गिर जाता है तो उस मोबाइल को पाने का मोह जो है अधिकारी जो है उसने लाखों लीटर पानी को बर्बाद कर दिया, लेकिन कभी ऐसे अंदरूनी इलाकों के गांवों में कोई भी अधिकारी संवेदना के साथ नहीं जाता कि किस तरीके से जो है अंदरूनी इलाकों के ग्रामीण अपना जीवन यापन करते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।